हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का टॉपिक है कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटस कब सुधरेगी। अभी जो करंट कंडीशन है, ठीक है, वो कब सुधरेगी और कितने दिन कितने महीने लगेंगे, एंड ग्रोथ कैसी रहेगी आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ। ठीक है, करंट एनर्जी के बात होगी, कब तक सुधरेगा और उसके बाद कैसी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दो पाइल्स रखे हैं, पाइल वन द चैरियट एंड द पाइल टू द सन। जो भी आपको लगे आपके लिए है और आपको लेना चाहिए आप वही लेना। ठीक है, एंड जनरल रीडिंग है गाइस, यू ऑल नो अबाउट इट। जनरल रीडिंग में मैसेज सबके लिए आते हैं, वही लेना जो आपसे रेजोनेट करे, बाकी छोड़ देना। ज़ोडिक साइन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट अगर मैसेज आपसे रेजोनेट कर रहे हैं तो। ठीक है, तो पहले शुरू करते हैं पाइल नंबर वन से, द चैरियट। मैं आज ओपन ही मैं शफल करूँगी कार्ड, ठीक है, ऑन कैमरा। यहाँ पे थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम है, अगर कार्ड्स दिखे नहीं तो मुझे ज़रूर चिंता करने की कोई बात नहीं। ठीक है, मैं बोलती जाऊँगी, आप मेरी वॉइस को बस सुनते रहना। लेट्स सी पाइल नंबर वन। आई होप यू ऑल आर गुड एंड गुड गोइंग ऑल्सो। इंस्टा पे फॉलो करना मत भूलना। ओके, तो चलो हो चुकी है। आप लोगों की एनर्जी मुझे थोड़ा सा हैवी लग रहा है, बहुत लोग यहाँ पे है जो थोड़ा चिंता में है, स्ट्रेस्ड आउट है, सर दर्द करता है, शायद बहुत स्ट्रेस्ड है। ये कार्ड बहुत बड़े हैं, मेरे हाथों से तो बड़े हैं भाई मेरे हाथ बहुत छोटे हैं। जी यहाँ से बस एक कार्ड चाहिए, डर लगता है कहीं आग में ना चली जाए उछल के। ओके, ले ही लेते हैं दो। ओके, द लवर्स, नहीं लूंगी, दिल नहीं माना। एक चाहिए, एक ओके, द डेथ, द वर्ल्ड। यू पीपल हैव टू डू वेरी मच हार्ड वर्क। ओके, वाह यहाँ पे भी चैरियट, बहुत हार्ड वर्क करने की कोशिश करनी पड़ेगी आप लोगों को, एंड यू विल गेट द सक्सेस। ठीक है, और देखते हैं, कुछ चीज़ें स्लो प्रोसेस है आपके साथ, है ना। ऑफर्स या जॉब या फाइनेंशियल ग्रोथ जो भी है, बहुत स्लोली आपको लगता है आपको मिल रही है, बहुत स्लोली। ओके, बट आप एफर्ट्स लगा रहे हैं जितना हो सके, या फिर आपके बॉस या आप जिनके अंडर काम करते हैं वो थोड़ा सा स्टबॉर्न है, थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं चीज़ों को, एंड बहुत झटपट बोल देते हैं। बट यू हैव द पैशन फॉर योर वर्क। ओके, थोड़ा चीज़ों को मैच्योरली हैंडल करिए। यहाँ पे द वर्ल्ड कार्ड अगेन, चीज़ें हो नहीं पा रही बट यू आर डूइंग एफर्ट, यू आर वेटिंग। ओके, यू आर वेटिंग फॉर इट। जो चीज़ आप को लाइक आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आपके बस की बात नहीं, आप वो छोड़ दो, क्योंकि इतना ज़्यादा कंट्रोल इशूज़ यहाँ पे है मुझे लग रहा है। या एंड आप थोड़ा हैंग्ड हैं कि ऑफ़र आएगा या नहीं आएगा,
फ़िलहाल तो ऑफ़र या फाइनेंशियल स्टेटस जो भी है वो आ रहा है, वो थोड़ा सा स्लो है, बट कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि होगा या नहीं होगा। बहुत बेसब्री से आपको वेट है इसकी, एंड थोड़ा सा क्लियरिफिकेशन चाहिए आपको अगर फ्यूचर में जो कुछ भी होगा, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटस कैसी रहेगी जब आपके पास ऑफ़र आएगी, सक्सेस आएगी। एक महीने एक साल तक मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, बट इट विल बी सडन चेंजेस, ठीक है, ऑन योर लाइफ। और बहुत जब होगी तो बहुत फुर्तीले तरीके से होगी, तो आप कंफ्यूज नहीं होना। अगर एडवांस लेना है किसी से तो परिवार से लेना, ठीक है, फैमिली में थोड़ा डिस्कस कर लेना, अगर मदर है तो मदर या फिर वाइफ, ओके। एंड लाइक इस ऐसी पर्सन से आप लोग डिस्कस करना जो लाइक अच्छे सलाह देते हैं, और दैट पर्सन इज़ पावरफुल, बहुत पावरफुल एनर्जी में मतलब होते हैं इस तरह की, बहुत प्रैक्टिकल माइंड में बोलूँगी, ठीक है। या द जजमेंट द सिक्स ऑफ कप्स, ओके, और भी कार्ड्स देखूँगी, ठीक है। आप लोग भले वेट कर रहे हैं, एक साल हो चुके हैं, बहुत लोग एक साल से मेहनत कर रहे हैं, समझ नहीं आ पा रहे हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो पा रहा है, बट आपकी मेहनत रंग लाएगी और बहुत जल्द आप लोगों को सक्सेस मिलने वाली है। कुछ लोग मुझे प्रमोशन देख रहे हैं यहाँ पर, अगर रुका हुआ था तो, एंड न्यू बिगेनिंग होगा चीज़ों का। कुछ चीज़ अगर कन्फ्यूज था तो कन्फ्यूजन से बाहर आके खुद के पैशन को पैशन से करना, जो भी करना पैशन चाहिए वो पैशन से करना, ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है वगैरह वगैरह। अगर आप लोगों को किसी चीज़ में पैशन है कि मुझे बहुत लोगों को लाइक बहुत डिफरेंट टाइप्स हॉबीज़ एक है पैशन एक है हो नहीं पाता, तो जो अपना पैशन है वो हॉबी बना लीजिए, या फिर जो हॉबी है वो पैशन बना लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपके ग्रोथ बहुत है। अगर आप खुद के दम पर अगर काम करना चाहते हैं तो, ठीक है, जो लोग अपकमिंग बिजनेस आइडियाज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं वो, ठीक है। एंड देयर इज़ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन, आई नो यू आर हैंग, क्योंकि आपको लगता है कि ग्रो हो नहीं पा रही, अटक चुकी है चीज़, मतलब स्टैगनेंट है, ठीक है, रुकी हुई है। देन आप ये कन्फ्यूजन भूल जाइए, भले ही चीज़ें धीरे से हो, देन फिर भी वो होगी, ठीक है, फिर भी वो होगी करेक्ट टाइम में, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। एंड आई डोंट नो व्हाई आई एम हियरिंग दिसंबर, ठीक है, दिसंबर मार्च तक या जुलाई तक कुछ होगा। अब आप लोग की लाइफ में कुछ ऑफर्स आपको मिलेंगे, अगर आपको चाहिए कि आपके पास कोई ऑफ़र लेके आए, आप फिर आपने कुछ अप्लाई किया था उसका ऑफ़र आए, देन यू विल गेट द ऑफ़र ऑल्सो। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है बस, ज़्यादा इम्पेशेंस कभी कभी हो जाते हो आप लोग, और क्लियर रहना चीज़, हाँ तो हाँ ना तो ना, बस क्लियर रहना, अदरवाइज कंप्लीट, इट विल बी कंप्लीट। और थोड़ा कंफ्यूज मत होना, पहले इधर उधर एक साथ इधर उधर मत करो। अगर इधर जाना है तो पहले इधर जाओ, अगर उधर जाना है तो पहले उधर जाओ, इधर मतलब एक साथ चार पाँच चीज़ें मत करो। ग्रोथ तो होगी भाई, ग्रोथ हो जाएगी, डोंट वरी अबाउट इट। मैंने क्या बोला, एक महीने से एक साल के अंदर। कुछ लोग अगर स्टार्टअप करने की सोच रहे हैं कि स्टार्टअप का थोड़ा सा माइनॉरिटी सोचना, सलाह मशवरा करना, फिर सोच समझ के करना। कुछ लोग मुझे लगता है पार्टनरशिप की भी यहाँ पे बातचीत हो सकती है, ठीक है, पार्टनरशिप के अवेयरनेस या सोच समझ के बातचीत करना। अगर कोई डर है तो इस डर से थोड़ा बाहर निकलना, ठीक है। एग्जॉस्टन या कभी कभी एग्जॉस्ट फीलिंग भी हो सकती है, एंड बहुत काम कर लिया। अगर आप लोगों ने अभी थोड़ा सा ब्रेक लो, चीज़ों को समझो, उसके बाद, ठीक है, फिर से स्टेप देना। एक साथ मैंने पहले ही बोला था, एक साथ नहीं,
पहले एक ख़त्म करो उसके बाद दूसरे पे जाना, कि एक हाफ कर लिया दो दूसरे में अभी जानूँ, नहीं ऐसा नहीं करना, समझ रहे हो क्या? रिपनेसनेस, ओके यू विल गेट द, थोड़ा वेट करो, सब्र का फल बस आने ही वाला है, ये फल टूट चुका है, पक चुका है, ये टूट चुका है पेड़ से, और जब ग्रोथ होगी तो बहुत अच्छी ग्रोथ होगी, तब आपको कोई रोक नहीं सकता, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे था चैरियट का कार्ड भी, और आप लोगों ने भी चूज़ किया था ये चैरियट ही, सी? अगर आर्मी में कुछ लोग अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, देन आई सी की पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है, जॉब की, मुझे पता नहीं मैंने क्यों बोला, बट मुझे लगा इसलिए बोल दिया। स्ट्रेस, या अभी थोड़ा स्ट्रेस हो, बस स्ट्रेस से बाहर निकलो, क्योंकि आप कभी कभी हैंग हो जाते हो, समझ नहीं आता कि करे या ना करे, या क्या ये आइडिया हो अच्छा है क्या नहीं, फाइनेंशियल ग्रोथ होगी या नहीं, सो डोंट थिंक अबाउट इट। और अगर लोग आपको स्ट्रेस दे रहे हैं तो उनको अवॉइड कीजिए खुद से, अगर आपकी इंट्यूशन आपको बोल रही है कि हाँ, मतलब हाँ आप कर सकते हैं। सोर्स, या कनेक्ट विद द सोर्स, जब डिवाइन टाइमिंग आएगी ऑटोमेटिकली होगा, वैसे तो आप प्रे कर रहे हैं, बस इनर वर्क का मैनिफेस्टेशन करते जाओ, स्पेशली मैनिफेस्टेशन करो विथ विजुअलाइजेशन टेक्निक, ठीक है? और एक्चुअली ये जजमेंट कार्ड के नीचे ही ये सोर्स वाला आया, सी यहाँ पे मैंने जजमेंट कार्ड रखा, इसके नीचे सोर्स आया, एंड आई एम फीलिंग लाइक सब कुछ होगा एक करेक्ट टाइम पे विथ अ ट्रांसफॉर्मेशन। और देख लेते कि एनर्जी ऑरेकल से क्या आते हैं आपके लिए। इतना ज़्यादा उदास होने की कोई बात नहीं, लाइफ में मुश्किल वक्त भी आता है और अच्छा वक्त भी, ऐसा नहीं कि मुश्किल वक्त जब भी आया आप मतलब लगाम छोड़ दो, हाथ पैर मारो, ऐसा नहीं होता ना, अगर ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा, लाइफ इज़ अ रोलर कोस्टर, कभी अप्स कभी डाउन्स आते ही, बट इससे मतलब खुद को तकलीफ देना इज नॉट गुड, लाइफ है, प्रॉब्लम्स आएगी, प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन भी करना पड़ेगा। ओके, एंजल ऑफ बैलेंस, खुद को बैलेंस में लाओ, लाइफ भी बैलेंस में आ जाएगी, ठीक है? मैं इसको यहाँ पे रखती हूँ। सिक्स चक्रा, आर्टेज एंड मेटाट्रोनिया, मे बी इन स्पिरिचुअल पाथ में भी कुछ लोग मैं रिकमेंड करूँगी कि जुड़ो, ठीक है, जुड़ो, ज़रूरी है, ये चिपक जा भाई प्लीज़, वेट अ सेकेंड, ये चिपका, ये मैं लगा के आती हूँ, या एंड आई होप क्लियर विजन रखने की कोशिश करो, ठीक है? बहुत लोग हो सकेगा अपने चाइल्डहुड पार्ट मतलब फ्रेंड्स या कोई भी किसी से पार्टनरशिप करे, या फिर अगर आप छोटे तो कोई आपसे बड़ा आपसे पार्टनरशिप करे, या फिर इफ़ यू आर ओल्ड enough, then योर पार्टनर कैन बी थोड़ा सा एक्सपीरियंस में भी बड़ा हो सकता है, या फिर यंग हो सकता है, ठीक है? जो भी अगर कोई पार्टनरशिप की बात आए तो, ठीक है, यहाँ पे एज का कोई मैटर नहीं है, एक्सपीरियंस का है। मैन होल्डिंग अ हार्ट एंड appreciation, या appreciate करो, दिल जो कहता है वो करो, अगर आपको कोई अप्रिशिएट करता है देन इट्स वेरी गुड, ऐसे ही लोग इस ऐसे लोगों को रखना। द सन, सी इट्स अ ब्यूटीफुल सन आ गए, और क्या चाहिए, सब सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सब कुछ सरप्राइज मिलेगा, एबंडेंस मिलेगी, सब कुछ मिलेगी, और क्या चाहिए, बैलेंस आएगा स्पिरिचुअली, आप मतलब जो होगा वो एक्चुअली डेस्टिनी में ही होगा, अगर मैं बोलूँ कि वन वर्ड में तो यही होगा, जो होगा अकॉर्डिंग टू डिवाइन टाइमिंग होगा, जो आपके डेस्टिनी में लिखा है, एंड वो कहाँ है, मिल गया, लेट्स सी यूनिवर्स आपसे और एंजल्स आपसे क्या बोलना चाहते हैं इसके बारे में। उछल उछल के आ रहे हैं भाई आपके लिए तो, ओके लेट्स सी, मे बी योर आंसर, कुछ भी आंसर हो सकता है,
अर्थ साइन, या यू कैन बी अर्थ साइन, या फिर अर्थ साइन के लोग से आपकी डील हो, या फिर अर्थ इज़ ऑल अबाउट स्टेबिलिटी, ठीक है, स्टेबिलिटी ग्रोथ अर्थ। सो मैं एक सजेशन मैं ज़रूर दूंगी कि प्लांट्स, ओके, प्लांट्स जो है पौधे, पौधों को पानी देना, पौधे लगाओ, उनकी केयर करो, ठीक है, ये आपको फ़ायदा दे सकता है, मतलब आपकी विश आपकी ग्रोथ को बूस्ट कर सकता है, मुझे लगा इसलिए मैंने बोल दिया। इलेवेंस ग्राउंडेड पर्सन, ओके, यू विल गेट एवरीथिंग, अबंडेंस आल्सो, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, परफेक्ट टाइमिंग। सी जैसे मैंने बोला था डिवाइन टाइमिंग के बारे में, सी यहाँ पे फिर से आया टाइमिंग, तो टाइमिंग का चक्कर है बाबू भैया, टाइमिंग का चक्कर। ओके, अनकंडीशनल लव प्लीज़, या आप थोड़ा सा खुल के रहिए, ठीक है, ज़्यादा खुद चिंता ना कीजिए, पता है चिंता आएगी बट ज़्यादा चिंता ना करो, हीलिंग या हील योर सेल्फ, अगर कुछ चीज़ें अनहील्ड है तो अनहील योर सेल्फ, M2Z इनिशियल्स है, पता नहीं क्यों आए बट आए हैं, चलो ले लेते हैं। इन द नियर फ्यूचर, सी इन द नियर फ्यूचर सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ ग्रो होगा, मुझे यहाँ पर ग्रोथ, सक्सेस, विक्ट्री दिख रही है, बहुत यंग एनर्जी मुझे यहाँ की, जज्बा, वो पैशन ऑफ वर्क आई कैन सेंस हियर। शायद कुछ लोगों को ड्रीम जॉब मिल जाए, यस, ओके, योर आंसर इज यस, कुछ भी हो सकते हैं आंसर। सो गाइज, पसंद आया हो तो लाइक करना, मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में रेजोनेट हुआ है तो, एंड सब्सक्राइब करना चैनल को, एंड मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, बाय। ओके गाइज, जिन्होंने भी द पायल नंबर टू द सन चूज़ किया, चलो देख लेते हैं कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटस कब सुधरेगी, या फिर अब जैसा है उससे कितना इम्प्रूव होगा, और जब होगा तो कैसी रहेगी आपकी ग्रोथ, ठीक है। एंड अगर कार्ड्स दिखाई दे नहीं रहे क्लियरली, देन मुझे बताना जरूर, क्योंकि लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम है, जस्ट कीप फोकसिंग ऑन माय वॉइस, ठीक है, मेरी वॉइस को बस फोकस करते रहना, मैं ऑन कैमरे आज कार्ड शफल करूँगी। एंड जनरल जी गाइस, फिर से बोल रही हूँ, सबके साथ मैसेज रेजोनेट ना भी हो सके, वही लेना जो आपसे रेजोनेट करे, एंड बाकी भूल जाना, जॉडिक साइन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, अगर मैसेज आपके लिए है तो जॉडिक साइन की कोई कुछ नहीं होता। तो चलिए देख लेते हैं क्या आता है, ये ले, पहले ही आ गया, शफल करना करता दो आ गया, अब नहीं लूँगी ये, एक चलेगा, मुझे एक चाहिए। ओ कार्ड बहुत बड़े हैं और बहुत स्लिपरी है कार्ड्स, ये कार्ड में सिर्फ मेजर अरकाना ही आते हैं, 22। आप लोग बहुत क्यूरियस क्यों हैं, पायल नंबर टू, जल्दबाजी, अटक जाना, जल्दबाजी, समझ नहीं आता आपको क्या क्या है पायल नंबर टू, परेशान है बहुत। ओके, द वर्ल्ड, ब्यूटीफुल, द फूल, न्यू बिगिनिंग, रिस्क टेकिंग, और क्या बोलूं, और चलो देख लेते हैं, मैं पहले कार्ड सब बाहर निकालती हूँ उसके बाद मैं बोलूँगी। The world, the queen of cups, nine of cups, nine of pentacles, the star,
एट ऑफ वंड्स। बहुत परेशान है आप लोग, शायद कुछ लोग भी आपको परेशान कर सकते हैं और कर रहे हैं आई थिंक। सो फाइव ऑफ सॉर्ड, फाइव ऑफ वंड्स, टांग हराना, बहुत लोग हैं यहाँ पे आउटसाइडर्स। एट ऑफ कप्स एंड टू ऑफ पेंटिकल्स, बैलेंस का प्रॉब्लम। तो पाइल नंबर टू, ग्रोथ भाई आप लोगों की तो होगी बट थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ ब्लॉकेजेस है। अगर मैं टाइम की बात बोलूँ देन मुझे ऐसा लग रहा है कि 3 ईयर्स कुछ लोगों के लिए, ओके तो धीरे धीरे करके हो, बट कुछ लोग आप जैसे आप क्रिएट करोगे वैसे ही होगा। सब कुछ आपके हाथों पे है, आप लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत लाइक कोशिश कर रहे हैं बट ब्लॉकेजेस बहुत आ रहे हैं। आप वेट भी कर रहे हैं सब कुछ बट यू आर फाइटिंग, स्टिल फाइटिंग। आपकी विश बहुत है, जितना है आप उन इससे खुश है बट इससे थोड़ा ज़्यादा भी आपको उम्मीदें है, बहुत विश है, ठीक है। आपकी एक गोल है तो उस चीज़ में आप फोकस कर नहीं पाते कभी कभी एंड पास्ट में अटक जाते हैं। शायद कुछ चीज़ों में आपका लॉस हुआ था तो इस चीज़ में आप शायद अटकते हो एंड बहुत मुश्किल से आपको चीज़ें मिलती है, आपको फाइट करना पड़ता है और आपके डिले होती रहती है, इस तरह मुझे लग रहा है। कभी कभी आपको लगता है कि छोड़ के, मतलब अगर यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटीज़ है आप जाते हो आधा रास्ते पे जाके यू टर्न मार लेते हो कि होगा या नहीं होगा, डाउट्स है आपके अंदर किस्मत में होगा या नहीं होगा, इस तरह के कुछ डाउट्स हैं, ठीक है। पहले इस डाउट्स को क्लियर करो, मुझे और कार्ड चाहिए इसके लिए। व्हाई दिस इज़ द वर्ल्ड कार्ड, वर्ल्ड कार्ड क्यों आया, एक चाहिए। या कुछ चीज़ें ओपन हो नहीं पा रही है या फिर फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज़ है कुछ चीज़ें, यू आर होल्डिंग, जितना ज़रूरत है आप वही इतना ही खर्च कर रहे हो अभी फिलहाल या फिर करना है। कुछ लोग यहाँ पे फालतू के खर्चे भी, फालतू नहीं बोलूँगी, एक्सेसिव खर्चे भी हो रहे हैं, शायद इसी वजह से कुछ चीज़ें हो नहीं पा रही है आपके लाइफ में क्योंकि आपको कुछ वैल्यू समझना है चीज़ों की, ठीक है। प्लीज़ क्लैरिफाई मी दिस वन, जस्टिस, कुछ चीज़ें अगर इनजस्टिस हुई है तो आपको थोड़ा सोचना चाहिए पास्ट में जाके, ठीक है। अगर ओके प्लीज क्लैरिफाई मी दिस वन, द लवर्स, प्लीज क्लैरिफाई मी दिस वन, ओके इतना नहीं चाहिए भाई। Please clarify me this one, the third one. Nine of Pentacles and Five of Wands. Nine of Pentacles and Five of Wands. अच्छा दो आए तो दो ही ले लेते हैं. Please clarify me the Star and the Eight of Cups. Star and the Eight of Cups.
एज ऑफ पेंटिकल्स, एज एट, डेथ या ट्रांसफॉर्मेशन। कुछ पुरानी चीज़ों को आपको लेट गो करना होगा। अगर यहाँ पे आपके पार्टनर आ कुछ इस तरह की एनर्जी में है, आपको लगता है कुछ इनजस्टिस हुआ है या फिर कुछ चीज़ें बनी नहीं आगे। राइट नाउ एक्चुअली मैं सच्ची बात बोलूँ, मुझे क्या लग रहा है कि आप लोग की फोकस यहाँ पे नहीं है। अगर आपके पार्टनर से आपका कोई फाइट हुआ है या फिर आप लोग सेपरेशन में या फिर कुछ भी हुआ आपके लाइफ में, आपकी फोकस वहाँ है। दैट्स इज द रीज़न द थिंग्स इज नॉट वर्किंग। आपको बैलेंस चाहिए, ठीक है, आपको बैलेंस चाहिए, बट आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे पार्टनर इशू मुझे ज़्यादा दिख रहा है, फाइनेंस से ज़्यादा पार्टनर इशू, पार्टनर की वजह से या फिर कुछ है उसकी वजह से थोड़ा दिक्कत हो रही है, जिस वजह से फ्यूचर आउटकम ठीक ही है लगभग, बट कुछ ब्लॉकेजेस है जो आपको रोक रही है या फिर आएंगी ब्लॉकेजेस। आपको हार्ड वर्क करना है, इस तरह से हार मत मानो, ठीक है। डेस्टिनी में है कि यू हैव टू डू हार्ड वर्क एंड लर्न समथिंग। यहाँ पे आपको बहुत लेसन लेना पड़ेगा। आप किसी ऑफर के लिए शायद वेट कर रहे हैं ऑल्सो, देन यू विल गेट द ऑफर ऑल्सो। थोड़ा डीले है बट खुद को पहले संभालो, ओके। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह है और आपको लगता है कि वो इनजस्टिस हुआ है या फिर कोई प्रोजेक्ट था या फिर कोई भी काम, तो भाई वो मिलेगी श्योर, बट अगर आपको लगता है थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो अभी के लिए रुक जाओ, ठीक है। क्योंकि ये कार्ड पहले रिवर्स भी आया था, ठीक है, मुझे याद है, मैं बोल रही हूँ ऑनेस्टी के साथ, मैं बोल रही हूँ इसलिए मैं दिखा रही हूँ। देन यू विल गेट इट। ऐसा नहीं कि नहीं होगा या फिर कि यहाँ पर कोई पार्टनरशिप की प्रॉब्लम है, यहाँ पर सबकी एनर्जी आएंगी इसलिए मैं बोल रही हूँ, जो भी आप उसे प्रेजेंट कर वही लेना। पार्टनरशिप की मे बी प्रॉब्लम थी बट पार्टनरशिप हो जाएगी, ठीक है, ऑफर आएगा, बट आपको क्लियर कट बातचीत करनी है, क्लियर कट मेहनत करनी है, क्लियर कट मतलब ऐसा नहीं कि छुप छुप के या फिर आधा बोले आधा नहीं, ऐसा नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे बहुत चीज़ें होल्ड है, बहुत चीज़ें होल्ड है। 4 months, ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे 4 months में ग्रोथ दिख रही है, बट यहाँ पे द वर्ल्ड एंड वर्ल्ड किससे चलता है, अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्स, ठीक है। वर्ल्ड कार्ड का मैं टाइमिंग मैं ज़्यादा नहीं बोलती एक्चुअली, कोई ठीक नहीं रहता वर्ल्ड कार्ड का, बट यस आता है इसमें, यस, ओके, यस आता है कि हाँ ग्रोथ होगी तुम्हारी, क्योंकि यहाँ पे द ब्रह्मा द क्रिएटर भी है यहाँ पे, ठीक है। आपको और एक चीज़, आपको वैल्यू समझनी है, ज़्यादा फालतू चीज़ें को अवॉइड करना है, जो आपको नहीं चाहिए वो रहने दो अभी फ़िलहाल, जो आपको अभी चाहिए जो इम्पोर्टेंट है उस पर फोकस करो, ठीक है। एंड आपको मेहनत करनी है, अगर आपको कोई प्रोजेक्ट मिले भी या फिर कुछ भी हो, आपको मेहनत करनी है। ऐसा नहीं कि हाँ मिल गई तो अब भी आधा आधा करके, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। चलो और देख लेते हैं कि क्या आता है, क्योंकि इस पाइल में बहुत चेंजेस है, बहुत चैलेंजेस है, एबंडेंस भी है बट आपको मेहनत करनी है। और नंबर सिंक्रोनिसिटीज बहुत है, सी 4 4 5 5 8 8 9 9 9 11 मिररिंग नंबर, यहाँ पे मिरर नंबर, मिरर नहीं बोलूँगी बट सेम है, ये सिंबल्स मिरर है, ठीक है। अगर आपका फोकस आपके ट्वीन या सोलमेट जो भी है उन पे है, तो फिलहाल के लिए थोड़ा सा फोकस अपने अंदर लाओ, मेहनत करो, मैनिफेस्ट करो, काम करो, इनर वर्क करो, अपने आप आ जाएगा, अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। ज़्यादा मत सोचो, फिर खुद की तबीयत बिगड़ेगी और कुछ नहीं होने वाला, ओके। मैच्योरिटी या मैच्योरिटी के साथ हैंडल करना सीखो, कॉन्शियसनेस थोड़ा समझने की कोशिश करो चीज़ों को, ठीक है, अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाने की कोशिश करो। एग्जॉस्टन या आपको थोड़ा एग्जॉस्ट फील हो रहा है, मे बी यू आर स्ट्रगलिंग अ लॉट, यू आर गोइंग थ्रू अ लॉट, दैट्स वाई यू आर फीलिंग एग्जॉस्ट ऑल्सो। कभी कभी सुनाई भी नहीं देता खुद की आवाज़,
एडवेंचर या बहुत कुछ होगी, अप्स डाउन्स आएंगी, ऐसा नहीं कि हाल छोड़ दो, एक्साइटमेंट रखो अपने अंदर, ठीक है। क्योंकि हमेशा लाइक उठा, अभी नींद से उठी, ब्रश किया, रेडी हुआ और खाना खाया और चला गया, इट्स नॉट लाइक दैट। बहुत ये बहुत सिंपल हो जाता है, ठीक है। द सोल इज़ प्रोग्रामिंग द एडवेंचर्स, क्योंकि आप खुद प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। हमेशा डेली रूटीन सेम नहीं चलता ना, इसलिए थोड़ा सा अप डाउन्स होते हैं। सो बट उनको कंट्रोल करना और अकॉर्डिंग टू योर विश चलाना, इट्स अप टू यू। स्ट्रेस या वर स्ट्रेस्ड अ लॉट, बट एक नई शुरुआत होगी, ठीक है। गोइंग फॉर अबाउट इट, फियर्स से ओवरकम करो, रिस्क लो। जिस चीज़ में आपको समझ नहीं पा रहे कि क्या करें, वहीं पे रुक जाना, सोचना। अगर देखा कि यहाँ पोटेंशियल है और अगर ये रिस्क मैं लेता हूँ या लेती हूँ, इसमें पोटेंशियल है, देन गो फॉर इट। और ये आगे जाके तुमको लाइक अच्छा सब देगा रिजल्ट, देन गो फॉर इट। केयरिंग कनेक्शन, 4+1+4 5, फिर से 5, ओके। कोई कनेक्शन आ सकता है या फिर पार्टनरशिप हो जाए, वो केयरिंग कनेक्शन, या फिर आपको कुछ केयरिंग कनेक्शन की ज़रूरत है आपके लाइफ में। ओपन योर हार्ट, अगर कोई आ रहा है देन एक्सेप्ट ओपनली, फ्रेंडली, ओके। ऐसा नहीं कि 5 मिनट में ही प्यार हो गया, ऐसा नहीं होता भाई। द सन या यो सन आ गया तो क्या बोलूँ, ऑब्स्टिकल्स, यहाँ पे भी द सन है, ये भी आया द सन, और क्या चाहिए, सब कुछ होगा। बस थोड़ा टाइम रखो, सब्र रखो, खुद पे फोकस करो, आप बहुत डिसबैलेंस है आप लोग। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, लियो, अगेन लियो, सन इज अ लियो ऑल्सो। स्ट्रेंथ ना हारना, ठीक है, स्ट्रेंथ गैदर करो। यहाँ पे तो फिलहाल सब एनर्जीज हैं, यहाँ पे भारी सा है। अप्रिसिएशन या खुद को अप्रिशिएट करो, अगर कोई नहीं कर रहा तो तुम खुद को अप्रिशिएट करो भाई, खुद से ज़्यादा कुछ नहीं, खुद का सोल, खुद का बॉडी अप्रिशिएट खुद ही करो। ऐसा नहीं कि हाँ, कभी कभी लोग कहते हैं ज़्यादा खुद है सेल्फिश, या सेल्फिश अपनी जगह और अप्रिशिएट या खुद की केयर करना अपनी जगह। अगर तुम खुद हेल्दी रहोगे तो किसी और की तुम केयर करोगे, अगर तुम खुद बेड पे गिर गए तो कैसे होगे। ओके, एक ही चाहिए था और एक ही आ गया। जर्नी, सी इट्स अ जर्नी, इट्स अ जर्नी, आपका एक लेसन लर्न करना है, आपके सोल एक जर्नी है, ये एक सोल जर्नी है, ठीक है। आपको बहुत कुछ लर्न करना है, बहुत कुछ डेथ को करना है, फिर जाके आपके पास ग्रोथ आएगी। देयर इज अ लॉट ऑफ डायरेक्शन इज गोइंग ऑन, बट दिस लेडी इज गोइंग ऑन दे वे। या फिर आप एक छोटा सा वेकेशन ले सकते हो, ठीक है, एंड मे बी आपका काम कोई और ही स्पॉट पे पड़े, और ही जगह पे आपका काम बने, या फिर अगर आप लोग को जॉब अपॉर्चुनिटी या फिर कुछ भी करने की लाइक मिलने की आस में है, होम टाउन से थोड़ा दूर किसी और स्टेट पे या फिर किसी और जगह, ठीक है। चलो देख लेते हैं यूनिवर्सल एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या आता है। यहाँ तो गर्मी बहुत है। रिमेन पॉजिटिव, सी बी पॉजिटिव, ओके। देयर इज समथिंग बेटर, या बहुत कुछ बेटर है, आप बस लेट गो करो, खुद को बस खोलो खोलो खोलो, बंद करके मत रखो। फ्यूचर प्लान, या फ्यूचर की प्लान कर सकते हो अगर कुछ लोग कर रहे हो तो। बहुत रेस्टलेस सी एनर्जी है आपकी। चांस या चांस है, ज़्यादा मत रोइए। अनकंडीशनल लव, या ओपन योर हार्ट, एक्सेप्ट, ओके, एक्सेप्टेंस, खुद को प्यार करना करो, ठीक है। इतना ही साथ था ही आज के लिए रीडिंग, अगर रेजोनेट हुआ तो मुझे ज़रूर बताना, पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। एंड चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।